नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। करनाल नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर को लेकर चल रहा चुनाव संपन्न हो गया है। नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्घी व नवीन डिप्टी मेयर बने हैं। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर पहुंचे। उन्होंने नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर एवं सीनियर डिप्टी मेयर को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अब नगर निगम के तीनों मेयर मिलकर विकास कार्यों को बढ़ावा देंगे और शहर में विकास कार्यों की बयार बहने लगेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाने का कार्य कर रही है। विधानसभा में तो वॉकआउट करते हैं, चर्चा नहीं करते, वहीं बाहर आकर किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में स्कूलों में रैंडम कोरोना टेस्ट लिए गए थे, जिनमें कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको देखते हुए पूरे हरियाणा में 30 नवंबर तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ स्कूल बंद किए गए हैं, कोचिंग सेंटर व कॉलेजों के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना काल में सरकार को सहयोग दें एवं सरकार द्वारा दिए गए कोरोना संक्रमण बचाव के निर्देशों का पालन करें। इस अवसर पर करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, नगर निगम के कमिश्नर, जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला के अलावा सभी निगम पार्षद मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। और अपना जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने हर दिल अजीज मेहनती निष्ठावान ईमानदार आदमी को जो है चुनकर सभी पार्षदों का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं करनाल की जनता को और पार्षदों को ये विश्वास दिलाता हूँ, राजेश अग्घी सभी पार्षदों लेकर पूरे करनाल शहर की डेवलपमेंट बिना भेदभाव के। अग्घी साहब, जब आप कांग्रेस में होते थे लंबे समय से आप डिप्टी मेयर नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये पार्टी का फैसला था और पार्षदों का अपना फैसला था, पार्षदों ने उनको चुना है, उनको बधाई के पात्र हैं और अच्छे से काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपने आपने चुना गया है, सभी पार्षदों ने मिलकर उनको चुना है और डिप्टी मेयर के लिए वार्ड नंबर 1 से नवीन को चुना गया है, सभी को बहुत बहुत बधाई। पिछले 6 बार के उन्हीं के परिवार से, राजू राजेश अग्घी के परिवार से ही पार्षद बन रहे थे, सीनियोरिटी देखते हुए शायद उनको सभी ने चुना है। सेवा का फल मिला, बिल्कुल सारी सेवादार है, जितने भी पार्षद सब अपने अपने वार्ड में सबकी सेवा कर रहे हैं, तो सबने मिलकर चुना, किसी एक को ही चुनना था, जिसको भी चुना है वो सबने तय किया। तो गुप्ता जी, तो कोविड आ गया था पीछे, आपको 8-9 महीने से कुछ काम नहीं हो रहा था, उससे पहले कुछ चुनाव आ गए थे, इस वजह से देरी हो गई है और आज वो देरी पूरी हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है कि यूनानी मछली चुनाव हुआ है सभी के समर्थन से और हमारे जो राजेश अग्घी जी हैं उनको सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया है सभी पार्षदों के द्वारा, और नवीन जी जो वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं उनको डिप्टी मेयर चुना गया है। इस सब के लिए मैं जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने हुए दोनों सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और जिन सभी पार्षदों ने उनका एकजुट होकर नाम लिया है और समर्थन किया है उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मुझे उम्मीद है अब ये सारा जो एक प्रक्रिया है नगर निगम की वो कंप्लीट हो गई है और ये सारा मिलजुल कर आगे नगर निगम के काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, आप समझ रहे हैं देरी होगी, दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब कमी उसमें है। मैं दावे के साथ कहता हूँ सारी कमी कांग्रेस के पास है और कांग्रेस बकाने का काम कर रही है। ये बिल पूरी तरीके से 100% किसान के हित में, पंजाब में जो हो रहा है सारा का सारा वो सरकार करवा रही, सरकार अपने आप उसका हो कर रही और वो लोगों को बका रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विरोधा उपचुनाव बीजेपी तभी हारी है क्योंकि किसानों का जो अध्यादेश आया किसान नाराज थे। नहीं नहीं, देखिए वहां पे हमने आज तक जितने भी वोट, जितने चुनाव आज तक है उनमें से सबसे ज्यादा वोट, और वोट ज्यादा नहीं काफी बड़ी संख्या में ज्यादा वोट हमने प्राप्त हुआ। ये सीट कभी हमारे पास नहीं, लंबे टाइम से कांग्रेस की और लोकदल के पास रही है, लेकिन हमें अच्छा वोट वहां पे मिला। सर, कॉलेजों को लेकर भी कोई रणनीति है, जैसे स्कूलों को लेकर? अभी नहीं, देखिए अभी कॉलेज को लेकर कुछ नहीं है, जैसी परिस्थितियां होंगी उसके साथ। सर, एक बार स्कूल वाला दोबारा बता दीजिए।
एक बार फिर से बता दीजिए सर, मैसेज देंगे पेरेंट्स के नाम, बच्चों के नाम जो स्कूल बंद किए हैं। मेरा तो यही है कि जैसे देश में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जो और विशेषज्ञ उनका है कि जो भी इसके नियम है उन नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा के रखें, मास्क लगा के रखें और जो सैनिटाइजर उसको उपयोग करें और भी जो कुछ बताते हैं उनका सबका हम पालन करेंगे तो इससे बचाओ। रेवाड़ी में केसेस आए थे, उन बच्चों की हालत कैसी है जी अभी? नहीं, बच्चे ठीक हैं, बच्चों की ऐसी स्थिति नहीं है, बच्चों को बाहर से किसी को भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है जी। अगर हमने उनको टेम्परेचर भी चेक किया था तो टेम्परेचर भी उनका सामान्य था, लेकिन जब रेंडमली चेकअप कराया तो उसमें कुछ बच्चे पॉजिटिव। तो 30 तारीख तक बंद कर दिए? बिल्कुल। तो ये देख रहे थे आप बोल रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 100 रुपए की जगह अगर 60 पैसे या 70 पैसे लिया जाए कहीं ना कहीं ठीक होगा, क्योंकि पेरेंट्स का भी काम नहीं चल रहा तो पूरी फीस क्यों ले रहे हैं जब खर्चे ही नहीं चल रहे हैं? तो इस पर कोई बातचीत हुई आपके स्कूल वालों से? देखिए, जहाँ तक मुझे प्राइवेट स्कूल के लोग भी मिले वो तो कहते हैं कि अभी तक फीस दी नहीं जाएगी। बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमारी तो अभी तक कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो कहते हैं 10% फीस भी नहीं आई, और कुछ कहते हैं कि हमारी 30-40% तक फीस आई, बाकी फीस आई नहीं। ट्यूशन फीस की बात हमने पहले कही थी कि ट्यूशन फीस देनी चाहिए, सरकार की तरफ से था, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट ने उनको पूरी फीस देने के लिए सारे फ्यूज देने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद हमने पेरेंट्स के पक्ष में हमने रिव्यू पिटिशन डाली थी, उसके बाद कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि फीस ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि कुछ ना कुछ देखिए सहयोग करना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, मतलब जो स्कूल हैं उनको भी करना पड़ेगा क्योंकि अभिभावक की भी स्थिति अच्छी नहीं है, और लेकिन साथ ही अभिभावक का भी जिम्मेदारी है कि जिनकी ठीक है उन्हें सहयोग करना चाहिए। 172 के करीब बच्चे मिले, लगभग इतने ही टीचर भी मिले, तो इस सारे को देखते हुए अभी हमने 15 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है और उस पर देख रहे हैं, और टेस्ट भी हम उसकी भी संख्या बढ़ाएंगे ताकि कोई और समस्या सामने ना हो, सारी समस्या को देखते हुए निर्णय लिया। स्कूल फिर से बंद होने जा रही है सर? हाँ, 15 दिन के लिए सब स्कूल बंद कर दिए हमने ताकि जो अभी इस प्रकार की स्थिति आई, हालांकि हमने रेंडमली चेकअप कराया था सारा ना, अभी कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, कोई टेम्परेचर भी नहीं था और दूसरा भी था, लेकिन जब सारे का चेकअप किया तो उसमें से कुछ बच्चे निकल के आए, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने निर्णय लिया कि 15 दिन के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल नहीं, स्कूल ही बंद होंगे अभी, कॉलेज का कोचिंग सेंटर है जो, कोचिंग सेंटर के बारे में अभी कोई निर्णय लिया, अभी केवल स्कूल के बारे में। और ये थे शिक्षा मंत्री, और ये थे शिक्षा मंत्री कुलपाल गुर्जर ने दोनों नव नियुक्त मेयर व डिप्टी जनरल मेयर को कि मैं सभी जो भी हमारे सांसद हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, सीनियर डिप्टी मेयर का भी और डिप्टी मेयर का भी चुनाव जिस प्रकार से सर्वसम्मति से हुआ, उसके लिए मैं उन सबका आभार भी व्यक्त करता हूं, और मैं दोनों अपने सीनियर डिप्टी मेयर और हमारे डिप्टी मेयर उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वैसे तो हमारा पहले ही बहुत मेयर मैडम जो है वो दिन रात जुटी है जिस प्रकार से काम में, अब उनके साथ और सहयोगी के रूप में दो जो पदाधिकारी हैं, तो और भी उनके साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उनके साथ काम करेंगे तो और मुझे लगता है काम में और प्रगति होगी, तो मैं आज इस शुभ अवसर पर उन सबको बधाई देता हूँ। सर सहमति से चुने गए हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, तो दोनों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, पूरे नगर निगम को और पूरे शहर को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और इनको आशा करते हैं आगे अच्छे से काम करेंगे नगर निगम के ऑफिशियल के साथ मिलकर। जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी, योगेंद्र राणा जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे नगर निगम की, दो और बाजू जो है मजबूत हुई है? मैं जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और मैं जो पार्षद हैं उन सबको काफ़ी धन्यवाद भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि जो सर्वसम्मति से उन्होंने सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर को चुना है, उसके लिए एक बार फिर सभी पार्षदों को इन दोनों से ज़्यादा बधाई। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि लाइन पार एरिया पिछले 70 सालों से आज तक किसी भी पार्टी ने किसी ने भी लाइन पार एरिया को कोई ओझा नहीं दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइन पार एरिया को
महत्व देते हुए मुझे जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी जिम्मेवारी निष्ठा के साथ पूरे अपने कर्तव्य का पूरा पालन करूंगा और मैं अपनी मेयर बहन जी के साथ और सभी पार्षदों के साथ मिलकर शहर के विकास में अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर दिन रात एक करके शहर के विकास में पूरी जिम्मेवारी से करवाऊंगा। थैंक यू। पार्टी के संगठन ने मुझे और मैं मुख्यमंत्री जी का मानने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नवीन जी, आपके वार्ड में काफी काम पहले भी पेंडिंग में, बसंत विहार की बात करें तो अब आपके देखो काम थोड़ा लेकिन हमारा बसंत विहार का 60% काम वैसे भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। कुछ एरिया है जिसमें कुछ इश्यूज की वजह से वो काम हो गया, वो आगे भी सुनते नहीं थे, आपकी भी नहीं सुनते थे। पार्षदों को जिन्होंने सर्वसम्मति से हमारे भाई राजेश अग्गी जी को जो वार्ड नंबर 19 से पार्षद है उनको सीनियर डिप्टी मेयर चुना और हमारे भाई नवीन कुमार को जो वार्ड नंबर 1 से पार्षद है उनको डिप्टी मेयर के चुनाव में उन्हें सहमति प्रदान की। सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है हमारे पार्षदों ने सर्वसम्मति से इन्हें चुना है और मुझे विश्वास है ये हर तरह से नगर निगम के पक्ष में पार्टी के पक्ष में हर तरह से बेहतर अपना कार्य करेंगे। जन समस्याओं का हमेशा समाधान करते आए हैं, अब इनके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी नगर निगम की हुई है और मुझे भी जिस तरह से मेरी भी बाजुएं और ज़्यादा मजबूत हुई हैं, मेरे दोनों भाई मिलकर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के तौर पर शहर के लिए और ज्यादा विकास। तो आपकी टीम मैम अब मजबूत हो गई है, पहले पार्षद इस तरह की बात करते थे कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, काम नहीं होते हैं, लेकिन अब आपके कंधे मजबूत हुए हैं, आप एक कुर्सी पे बैठते थे, अब इधर भी आपकी कुर्सी इधर भी कुर्सी, तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारी अब सुनवाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, हम वैसे तो हम कहेंगे कि 20 पार्षद एक साथ हैं, फिर भी यदि कहीं हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मेरे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के तौर पे मेरे भाई दोनों हमारे साथ मिलकर संगठन के तौर पे भी मैं कहूँ और शहर के तौर पे भी कहूँ, विकास के तौर पे कहूँ, हर तरह से बेहतर कार्य करेंगे। मैडम, चुनाव के दौरान पार्षदों में नाराजगी तो देखी गई कोई? नहीं, बिल्कुल, एक मिनट में सर्वसम्मति से जैसे ही हमारे ईश गुलाटी जी ने और हमारी नीलम नोतना जी ने सीनियर डिप्टी मेयर के लिए प्रपोज किया तो सभी पार्षदों ने उसके लिए सहमति जताई और हमारे पार्षद मोनू ने और नीलम सिरसी जी ने डिप्टी मेयर के लिए जब प्रपोज किया तो सबने उसके लिए भी सहमति जताई। लकी है जी वोट आप नवीन जी, पहली बार पार्षद बने और पहली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.